आप सुन रहे हैं द पुरानी जीन्स सिग्नेचर शो. The Pirani Jeans Signature Show on Radio Dabang 99.5 FM, Houston's real Bollywood station. आगे जी आगे आगे कहाँ अपनों को छोड़ के कहाँ जाएंगे? I mean, पिला वजह की बातें तो हम करते रहते हैं. बिल्कुल यार, एकदम सही बात है यार. मेरे ख्याल में ऑन एयर आ चुके हैं हम. एक दफा फिर कभी तमीज से भी वेलकम कर लिया जाता है. जी बहुत जरूरी है. नेक्स्ट टाइम हम यही सारी बातें सर पे टोपी पहन के करेंगे. प्लीज प्लीज भाई, देखिए मिजाज कलंदराना, अदा दिलबराना, क्या बात, रहन मस्ताना, फहम आरफाना, नजर शातिराना, अच्छा रवैया जारहाना, दलील फलसफाना, ओहो वार कातिलाना, नहीं भाई चोट जालिमाना, गुफ्तगू कहखाना, क्या बात, एक हम पूरा जमाना. वाह, आपकी बात मुझे, इफ यू आर इंजर्ड यू हैव राइट्स, जेम्स पर्किंस लॉ फर्म. जरूरी है, बहुत जरूरी बहुत जरूरी. और नहीं तो क्या, कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है, बहुत ज्यादा. लेकिन ये म्यूजिक जो आपने चुनी है जी, ये कुछ अजीब तरफ लेके जा रही है. ये क्या फड़फड़ाती, किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं आप? मुझे एक डायरी नजर आ रही है, फड़फड़ाती डायरी, फड़फड़ाती डायरी. लेकिन वो हम जरूर करते हैं, लेकिन उससे पहले हम म्यूजिक जरा स्लो है तो जरा कॉल भी देखेंगे. बिल्कुल जनाब, कुछ लोगों से आप लोगों से बात करते हैं. रेडियो दबंग ऑन एयर है आप. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू पुरानी जीन्स और गिटार. अरे सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का. आपका नाम क्या है सर? नाम से नजम हमें पहचान जाएंगे, हो सकता है अली ना पहचाने, लेकिन हमारा भी लास्ट नेम अली ही है. अरे माशाल्लाह, तो बहुत अमदा. फिरोज बात कर रहा हूँ. अरे फिरोज भाई, कैसे हैं नजम भाई? ठीक ठाक, अरसे बाद कॉल करेंगे तो फिर तो मसला होगा ना फिरोज भाई, ये तो बात क्या करे, आप तो मिलते ही नहीं थे, बड़े मुश्किल से आज हमारे पाटाई में आए आप. हमने कहा कि चले, इस बहाने आपको और अली भाई को कर दे सलाम और वेलकम, बहुत वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. और बहुत ही अच्छा जा रहा है आपका प्रोग्राम, और लगता है कि जो जो घर पहुंचेगा वो भी शायराना मिजाज होगा उसका भी. और जो आपके डायलॉग है, ऐसा ना हो सारी बीवियां तंग आ जाए कि ये क्या हो गया है, कहाँ से आ रहे हैं आप, क्या खा के आ रहे हैं, किससे सुन के आ रहे हैं. सर यही तो मसला है सर, माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग होती हैं, तंग कभी नहीं आती सर, कभी नहीं आती. बहुत कोशिश मुझे यही लगता है कि मतलब जैसे जैसे आपका प्रोग्राम आगे जाएगा, दिन और होंगे तो लोगों के मिजाज में काफी फर्क आ जाएगा. शाइस्ताना भी, जारहाना भी, और बेतकल्लुफाना भी, और मस्ताना भी. तो ऐसा ना हो कि इसमें दो बातें हो सकती है, प्यार ज्यादा भी हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता है. बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और उस झगड़े में छुपा प्यार भी हो सकता है फिरोज भाई. हाँ ये तो है फिरोज भाई, 3 साल भी तो हो गए अब. ये झगड़ा जो था ना, शुरू में बहुत झगड़ा था, लेकिन फिर बहुत लोगों को यकीन दिलाना पड़ा कि भाई ये सिर्फ बातें हैं और बातों के अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मस्ती है. बस इस बातों को हकीकत में ना ढालना, ऐसा ना हो कि ये झगड़ा प्यार में बदल जाए. अरे वाह वाह वाह, एक बात आपको मजे की बताऊं भाई. जी जी, कि ये काफी लोगों को मालूम है कि ये बहुत सारा कुछ जो मेरे पास ये लिखा हुआ होता है, जो मैं पढ़ रहा होता हूँ, वो मेरी अपनी बेगम है सभी का इधर. अच्छा, कल मैं यही सोच रहा था कि माशाल्लाह क्या फर फर आप बोल रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किसी मतलब फेसबुक से या कहीं से, पता नहीं कहाँ से लेके आप पढ़ रहे हैं, धड़ा धड़ डायलॉग पे डायलॉग आ रहे हैं, मैं परेशान हो गया. मैंने कहा अच्छा ठीक है, आज तो लेट हो गया हूँ, कल कॉल करके पूछूंगा. यार हमें भी को ऐसा नुस्खा हो जाए, बता दे कि जब बीवी के सामने जाए तो फटाफट डायलॉग बोलना शुरू हो जाए. सर बीवी के सामने तो ये भी नहीं बोलते हैं, और ये सिर्फ लिखने वाले बोलते हैं, स्टूडियो में बोलते हैं सर. बीवी के सामने तो ये भी नहीं बोलते सर. हाँ सर. अच्छा यूं है, ऐसा है, मतलब ये कि टू फेस है समझे, ट्रू फेस है सर. सर अगर हम आपको ये कहें कि आपको इतनी अच्छी बात करने पर, आप दोनों के लिए यही कहेंगे, हम फना हो जाएंगे, आंसू बहाओगे, हमारे जैसे लोग तुम कहां से लाओगे. अरे क्या बात है, क्या बात, वाह 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 सर, बेहतरीन, वाह वाह क्या बात है सर. हाँ क्योंकि आप दोनों की जोड़ी माशाल्लाह इतनी सेट हो गई है कि अगर जैसे होते हैं ना कि मियां बीवी, ना बीवी मियाँ के बगैर है, ना मतलब ये के मियाँ बीवी के बगैर. और कल जो आपने वो जो एक किया था छोटा सा सेगमेंट जिसमें रुखसाना और कौन थी वो सुरैया, सुरैया और रजिया, वो आ जाएंगी, मैं आपको बता रहा हूँ, वो फौरन आ जाती हैं यहाँ.
तो दो मिनट के लिए तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन मैंने कहा यार ये कोई टक्कर है, जरा गौर से सुनो। फिर मैंने कहा ये दोनों ही है जो ह्यूस्टन को टक्कर दे रहे हैं। लेकिन बहुत लोगों अच्छा ने दिल लगा लिए थे सुरैया के लिए, उतने मैसेज आए उसकी आवाज में से। हाँ। आप तो सीन खराब कर रहे हैं। वो उसने कहा कि अरे सुरैया पहले के कितने अच्छे दिन थे, मोहब्बत वाले थे, एक दूसरे से मिलते थे, क्या क्या करते थे, आखिर में लड़ी कैसे थी। हाँ, अब तो कुछ करते हुए डर लगता है क्योंकि व्हाट्सएप और इतना आगे आए फेसबुक के, उसी से बात हो जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे सर आप। तो, का कॉल करना बहुत अच्छा लगा हम, बल्कि आपको कोई इनाम अगर देना चाहें तो आप कबूल करना पसंद करेंगे? मेरा इनाम ये है कि मैं एक बार आपसे स्टूडियो में आके मिलूं, मुझे आप दोनों से मिलने का बहुत शौक है। सर जरूर आइए। फरीज भाई वो तो आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले, फिरोज भाई आप जब भी चाहें आ सकते हैं। क्या बात है, बस आपने इतनी बात कह दी बड़ी, मेरा दिल खुश हो गया। ये कि अल्लाह ताला आप दोनों को बहुत बहुत सलामत रखे, अच्छी सेहत दे, और आप जिस तरह लोगों को एंटरटेन करते हैं, और मैं कहूँ एक बात कि मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत शो का एक्सपीरियंस है कि हंसाना बहुत मुश्किल होता है, रुलाना बहुत आसान होता है। क्या बात, जी जी क्या बात, बहुत उम्दा है ना, बहुत फिरोज भाई थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, और बहुत अच्छा जा रहा है, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट नाइट, ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, ग्रेट नाइट। सारी फड़क निकल गई, जो फड़कती भी आपने निकाली थी ना। ये हमारी अंदर की बात है। मैं नहीं हूँ ये आपका डिसीजन था। बड़ी फड़कते हुए आई थी एक चीज। जी उन्होंने पूरा काम कर दिया, उन्होंने कहा कि आप देख ले कोई पड्डा नहीं हो जाए, और सामने क्या निकला, अच्छा ठीक है, सही है। यार वो कह रहे हैं कि कल बड़ी भाभी जी जी भैया से कह रही थी, क्या कह रही थी, हाँ कल बड़ी भाभी भैया से कह रही थी, हाँ हमारी शादी को 20 साल हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह, वक्त कितनी तेजी से गुजर गया, राइट 20 साल हो गए हमारी शादी को, बड़ी बात, मुझे तो पता ही नहीं चला, भाभी कहने लगी। भैया बोलने लगे देखो बेगम, सजा का एहसास सिर्फ कैदी को होता है, जेलर को थोड़ी पता चलता है। नहीं पता चलता, बहुत बुरी बात है, ऐसा कहना चाहिए नहीं, ऐसा बिल्कुल सोचे नहीं, सोचना भी नहीं चाहिए, तो बुरा लगेगा, सोचे नहीं, सोचेंगे तो कॉलर की तरफ चलते। रेडियो दबंग वाले रहे आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? नजम भाई आपको जो है ना एक कमेंट देना था, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। अच्छा ठीक है सर, बता आपने, मैं खुले दिल से सुन रहा हूं। मैं नजम और अली तीनों एक ही ऑलमोस्ट एक सेम एज के, जी माशा अल्लाह। पुराने जंग अखबार में कार्टून आता था ना, टार्जन की वापसी, राइट टार्जन। तो आज वापस आ गया, कल वापस आ गया टार्जन। वो रस्सी जो थी ना टार्जन की, उसमें थोड़ी सी ग्रीस लग गई थी, तो वो साफ करते रहे ना, वो साफ करते ना। अली भाई बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत शुक्रिया। नजम अकेला कुछ भी नहीं है, और अली हैदर अकेला कुछ भी नहीं है, बेशक बेशक, हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, बेशक बेशक। इस फील्ड में जो अली हैदर सुबह के सारे प्रोग्राम करते रहे, वो आते थे रटे रटाए जुमले बोले चले जाते थे, नजम भाई अकेले करते थे, लेकिन कंपनी जो है ना, और ऐसे लोगों की कंपनी के जो पॉजिटिव सोच रखते हो, लोगों को एंटरटेन करना जानते हो, और उसमें कोई लेसन भी हो, बस सर कोशिश ही करते हैं, क्योंकि जहां भी इंसान काम करता है दिल लगा के करता है। बट आप सही कह रहे हैं कि मेरी और नजम की जोड़ी जो है ना, असल में हम सचमुच में भाई हैं। ये हकीकत में इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे, आप ऐसे ही लोगों को हंसाते रहो, और बड़े दिनों बाद अच्छा नाम क्या रखा के अंदर तीन रेहान है, अच्छा तीन रेहान है, अच्छा ठीक है, आप तीसरे एक रेहान सिद्दीकी है, एक रेहान अहमद है, और एक मैं रेहान खान हूँ। अरे वाह जिंदाबाद, रेहान खान को मिल जाना चाहिए नाम फिर, ठीक है आपको इनाम, आपको इनाम चाहिए कुछ हमारी तरफ से, कुछ डिनर लेना चाहेंगे और क्या, हम आपको ट्रू इंडिया की तरफ से आपको एक डिनर देना चाहते हैं, आप कबूल करेंगे? जैसे आपकी मर्जी सर, आप मुझे व्हाट्सएप तीन दफा कह रहे कबूल है कबूल है कबूल, ऐसा ना कबूल ही दे दे, वो कह के फंस गए यार अली भाई, आप भी यार, आप दोनों यार एक, हम सब ये एक ही कश्ती के सवार हैं, तू बार बार याद दिलाते हो।
انسان کو اپنا ماضی نہیں بھولنا چاہیے تو مگر ریحان بھائی بہت بہت شکریہ آپ کی کال بہت اچھی لگی بہت مزہ آیا آپ مجھے پلیز واٹس ایپ کر دیں 7139 74 پہ نائن نمبر تو آپ کو پتا ہی ہے نا اسی نمبر پہ آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں میں آپ کو واؤچر بھیج دیتا ہوں ڈنر واؤچر ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ تھینک یو علی بھائی تھینک یو سو مچ اینڈ ونس اگین ٹارزن کی واپسی یار یہ چیک کروائیں طارق سے کیمرے میں کیا آ رہے ہیں سب کپڑے میرے نہیں آ رہے ہیں ٹارزن کی واپسی سب آ رہے ہیں سمجھنے والے سمجھ سمجھنے والے سمجھ گئے وہ ساڑی پھڑک ختم ہو چکی ہے بریک کی طرف چلے بریک کی طرف چلتے ہیں اور ایک اچھا سا شعر سناتے ہوئے چلتے ہیں بالکل ارشاد ہمیشہ ہی نہیں رہتے کبھی چہرے نقابوں پر اچھا ہمیشہ ہی نہیں رہتے کبھی چہرے نقابوں پر سبھی کردار کھلتے ہیں کہانی ختم ہونے پر ارے واہ کیا بات ہے کیا بات ہے میں اس گانے کو پلے تو کرنے والا ہوں مگر یہ گانے کی جو شروعات ہے نا جب آپ کبھی بھی کوئی اچھی بات کریں نا تو یہ شروعات اس گانے کو جو ہے نا بالکل بالکل اس سے کہتے ہیں نا کہ لائک ملیا میٹ کر دیتی ہے میں پلے کر رہا ہوں آپ سنیے گا جو آپ نے کہا آپ نے اتنی اچھی بات کہی ہے مگر یہ گانا شروع کیسے ہوگا ذرا سنیے گا وہ کیا کہتے ہیں آپ سن رہے ہیں دی پرانی جینز سگنیچر شو The Pirani Jeans Signature Show on Radio Dabang 99.5 FM, Houston's Real Bollywood Station.